Hello students, how are you? Today we are going to learn maths. Maths में हम करने वाले हैं number 2727. Okay? तो ये हम करेंगे हमारी semester book, MCW book and SW book. और एक साथ उसके साथ हम करेंगे essay. Essay है हमारा seasons का. तो हम essay कहाँ पे लिखते हैं? आपको तो पता है ना? इंग्लिश की CW की बुक में पीछे के साइड है ना, तो सभी ऐसे हम इंग्लिश की CW की बुक में पीछे के साइड लिखते हैं. ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे. नाउ ओपन योर मार्वल सेमेस्टर सीरीज बुक 2 एंड पेज नंबर है 131. ओके, देखो पेज नंबर 131. ओके, नाउ लुक एट दिस. ये है नंबर 2727. ओके, अभी यहाँ पे हम आज की डेट डालेंगे एंड 2727 ट्रेस एंड राइट. हम यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. ओके, पहले तो ये डॉट्स के ऊपर हम स्लोली स्लोली ट्रेस करेंगे. 2727 बोलते जाना है एंड लिखते जाना है. ठीक है, नाउ 2727 बोलते जाना है, लिखते जाना है अच्छे से. आपकी पेंसिल शार्पन होनी चाहिए, कम से कम इरेजर का यूज़ करना है एंड इट इज़ वेरी सिंपल. 2727 याद रखना है सभी को. ओके, नाउ ऐसे ही पूरा पेज आपको फिल करना है. ठीक है, जब ये हो जाए तब क्लोज योर सेमेस्टर बुक एंड ओपन योर CW बुक. CW की बुक में भी हम लिखेंगे 27. ठीक है, नंबर 2727 यहाँ पे आज की डेट डालनी है एंड ये पूरा पेज हमें 2727 से फिल करना है अच्छे से. हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए. ओके, बाहर नहीं निकलना चाहिए. देखो पूरा पेज ऐसे ही आपको बोलते जाना है एंड लिखते जाना है. ठीक है, 2727 हमने 1 to 26 तक किया. ओके, टुडे वी आर लर्न 2727 बोलते जाना है और ऐसे ही आपको याद भी रखना है. ठीक है, ये फर्स्ट जो हमारी कॉलम है एंड लास्ट कॉलम है उसमें हमें नहीं लिखना और ऐसे पूरा पेज हमें फिल कर देना है. हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, इरेजर का कम से कम यूज़ करना है एंड स्लोली स्लोली और नीट एंड क्लीन वर्क करना है. बोलते जाना है एंड लिखते जाना है. ठीक है, ऐसे ही देखो मैंने पूरा पेज लिख लिया. ठीक है, अभी नाउ क्लोज योर CW बुक एंड ओपन योर SW बुक. SW की बुक में भी हमने लिखना है 27. ओके, तो ये आपको होमवर्क में करना है. पहले तो यहाँ पे डेट डालनी है और नंबर 27 लिखना है एंड ऐसे 5 कॉलम्स में हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. जब ये हो जाए ओके, तब क्लोज योर
एच डब्ल्यू बुक। एंड हमें क्या करना है, हम आज ऐसे करने वाले हैं, तो ऐसे हम किस में करेंगे, हमारी इंग्लिश की सी डब्ल्यू बुक में। इंग्लिश की सी डब्ल्यू बुक में हम पीछे के पेज पे हम लिखते हैं सारे ऐसे, है ना। तो हम आज करने वाले हैं सीजन का ऐसे। ओके, देखो ये है सीजन्स का ऐसे। पहले आज की डेट यहाँ डालनी है एंड मम्मी को बोलना है कि आपको ये लिख दे, क्योंकि आपको इतना इंग्लिश में लिखना नहीं आता राइटिंग में, है ना। तो मम्मी को बोलना है कि आपको आपकी इंग्लिश की सी डब्ल्यू की बुक है उसके पीछे आपको ऐसे राइटिंग में लिख दे, ठीक है। चलो मैं ऐसे 5-6 सेंटेंस हमने बनाए हैं ऐसे के लिए, तो वो मैं पढ़ रही हूँ। फर्स्ट है देर आर 3 सीजन। ओके, सेकंड है दे आर समर विंटर एंड रेनी सीजन। कितने सीजन्स होते हैं हमारे यहाँ, 3। ओके, कौन कौन से, समर विंटर एंड रेनी सीजन। ओके, थर्ड है इन समर इट इज़ वेरी हॉट। समर सीजन कैसी होती है, हॉट होती है ना। ओके, फोर्थ सेंटेंस है ड्यूरिंग विंटर सीजन इट इज़ वेरी कोल्ड, वी वेयर वूलन क्लॉथ्स। विंटर सीजन के दौरान हमें क्या लगता है, यस वेरी कोल्ड, है ना, हमें ठंडी लगती है, राइट। एंड तो हम क्या पहनते हैं, वी वेयर वूलन क्लॉथ्स। ओके, चलो मैं स्लोली स्लोली बोल रही हूँ तो आपको भी राइटिंग आ जाती है, ठीक है। इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के दौरान क्या होता है, बारिश, है ना, बारिश यानी रेन्स। वी वेयर रेन कोट, तो हम क्या पहनते हैं, रेन कोट्स पहनते हैं, ना, और अम्ब्रेला का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सिक्स सेंटेंस है माय फेवरेट सीजन इज रेनी सीजन। देखो मेरी सीजन तो रेनी है, पर अगर आपकी समर या विंटर है तो वो भी यहाँ पे आप फेवरेट में लिख सकते हो, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग है। चलो अभी फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि सब लिख ले, ठीक है। चलो दिख रहा है ना सभी को, राइट। ओके, देर आर 3 सीजन्स, दे आर समर विंटर एंड रेनी सीजन। इन समर इट इज वेरी हॉट, ड्यूरिंग विंटर सीजन इट इज वेरी कोल्ड, वी वेयर वूलन क्लॉथ्स। ओके, इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी वेयर रेन कोट्स। माय फेवरेट सीजन इज रेनी सीजन। ओके, चलो तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ कि आप लिख सको, ठीक है। आप ऐसे वीडियो पॉज करके भी आपकी बुक में लिख सकते हो, ठीक है। बच्चों सारे ऐसे जो है हमें याद करने हैं, रिमेम्बर करने हैं, रिकग्नाइज करने हैं हमें। ओके, तो ये सीजन का भी ऐसे हमें रिकग्नाइज करना है, ठीक है। तो ये मम्मी को बोलना कि आपको करवा दे, ठीक है। नाउ
हो गया ना सभी का, राइट। चलो नाउ क्लोज योर इंग्लिश सी डब्ल्यू बुक। तो बच्चों आपने नंबर 27 लिखा ना आपकी सी डब्ल्यू बुक में, एंड होमवर्क भी आपको करना है, ठीक है, और ऐसे भी आपको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। मम्मी को बोलना है आपको राइटिंग कर दे आपकी सी डब्ल्यू बुक में, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।